हेलो एवरीवन। तो बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था एनर्जी, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हमने एनर्जी देखा था, टाइप्स ऑफ एनर्जी देखे थे कि एनर्जी क्या क्या होती है। उनमें हमने देखा था कि मेन एनर्जी का हमने देखा था, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये आपको अच्छे से पता होगा। जो भी सब्सटेंस या फिर जो भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके अंदर में जो एनर्जी होती है क्या होती है, जनरेट होती रहती है। जैसे स्टोरिंग द वाटर इन डैम, अगर डैम के अंदर में पानी स्टोर है तो उसके अंदर में जो एनर्जी है वो होती है बेटा पोटेंशियल एनर्जी, जो यूटिलाइज नहीं हो रही है, जो उसके अंदर में सिर्फ स्टोर है उसको बोलते हैं पोटेंशियल। लेकिन जब काइनेटिक एनर्जी होती है तो वो मोशन में जो भी ऑब्जेक्ट होता है तो वो मोशन में घूमते रहता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये आता कैसे तो हमें एक्सप्रेशंस देखना है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज एक्सप्रेशंस फॉर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब एक्सप्रेशन अगर हमको काइनेटिक एनर्जी का निकालना है तो उसके लिए हमें सपोज क्या लेना पड़ेगा, वर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला आपके पास में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसके वैल्यू हमने देखा है। तो यहां पे देखो क्या बोला, सपोज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मास m, कोई एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जो एक जगह पे बैठा है और उसका मास है m, ठीक है। फिर आगे चलो, सपोज अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ मास यम मूव्स, अब वो मूव्स हो रहा है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पहले था उसका मास यम था, अब वो मूव्स हो रहा है, बिकॉज क्यों, क्योंकि हमने उसके ऊपर क्या फोर्स किया, अप्लाइड फोर्स, उसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाइड किया करके वो मूव्स हुआ, ठीक है। देन लेट यू बी द इनिशियल वेलोसिटी, मान के चलो यहां पे क्या बोला है एम, ठीक है, एम मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यू मतलब क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। फिर इनिशियल वेलोसिटी ऑलवेज क्या होती है, जीरो, इज इक्वल टू जीरो हमेशा होती है। लेट द अप्लाइड फोर्स बी, अब एफ क्या है यहां पे, एफ अगर की बात करें तो एफ है बेटा आपका अप्लाइड फोर्स, F क्या है आपका अप्लाइड फोर्स, ठीक है, अप्लाइड फोर्स है। तो साथ में दिस जनरेट द एक्सेलरेशन इन ड्यूरिंग दिस टाइम, जब ये ऐसा होगा तब यहां पे एक्सेलरेशन जनरेट होगा और जो S है उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, दैट इज S यहां पे जनरेट होगा। नाउ वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज, अगर हम वर्क डन की अगर बात करें तो वर्क डन ऑफ ऑब्जेक्ट इज F इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपको देखने मिलेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है, जो हमने पहले बताया कि ये फॉर्मूला आपको आता है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या है आपका, दैट इज F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यही है आपका, ठीक है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है आपका, न्यूटन का सेकंड लॉ बेटा आपका फोर्स इंटू एक्सेल, सॉरी फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। जो इस प्रकार जैसे हमने पहला फॉर्मूला देखा डब्ल्यू इज इक्वल टू ये, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम इंटू ये मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट देते हैं तो उन्होंने क्या बोला, सिमिलरली यूजिंग न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर हम न्यूटन का सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन देखते हैं तो सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन कौन सा आपका, यस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन, कौन सा है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी नहीं, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन है, ठीक है, कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, जो क्या था आपका एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है, ये इक्वेशंस था आपका एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब ये जो एस इज इक्वल टू यू टी और हाफ ए टी स्क्वेयर है तो यू की वैल्यू क्या है आपके पास में, इनिशियल वेलोसिटी, यू इज इक्वल टू ऑलवेज क्या होता है आपका जीरो, तो पुट करो यहाँ पे यू इज इक्वल टू जीरो, जीरो इंटू टी जीरो, जीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, तो यहाँ पे एस इज इक्वल टू होगा हाफ ए टी का स्क्वेयर, ठीक है, एस की वैल्यू मिल गई आपको, क्या हो गया S इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है, जो आपका सेकंड इक्वेशंस होगा, ठीक है, जो आपका क्या होगा ये सेकंड इक्वेशंस, क्लियर। अब ये जो है फर्स्ट एंड सेकंड, जो फर्स्ट है एंड सेकंड है, ये जो वैल्यू है पुट इन दिस इक्वेशन, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू कौन सी, F इज इक्वल टू एम ए और S इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वेयर, दोनों वैल्यू ये इक्वेशन में पुट करो, ठीक है, जिसको मैं स्टार बोल देता हूँ, ठीक है, स्टार के अंदर में ये वैल्यू पुट करो तो क्या मिलेगा आपको, दैट इज W इज इक्वल टू, ध्यान दो क्या मिलेगा, W इज इक्वल टू F की वैल्यू क्या है, दैट इज M इन टू A इन टू, ठीक है, और यहाँ पे क्या है हाफ ए T
टी का स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली इक्वेशन आपको दिया, इक्वेशन थर्ड कैसे आया देखो, अब यहाँ पे इसको सीधा करके लिखा, ठीक है, क्या लिखा यहाँ पे, W इज इक्वल टू हाफ कॉन्स्टेंट टर्म है उसको साथ में लिया, फिर M A इंटू A, A का क्या होगा स्क्वायर, इंटू क्या होगा T का स्क्वायर, बोथ टर्म्स है तो इसको क्या करेंगे हम, W इज इक्वल टू हाफ इंटू एम, ए स्क्वायर टी स्क्वायर है तो कंबाइन लिख देते ए टी का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर इसको दे देंगे थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड जो यहाँ पे आपको दिया है, समझ में आया। अब देखो यूजिंग न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अब इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट न्यूटन का इक्वेशन आपको करना है, कौन सा है फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट अगर काइनेमेटिकल इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो क्या है u, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या है u प्लस ए टी, दैट इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन, बट यहाँ पे u की वैल्यू क्या बेटा जीरो, ठीक है, u की वैल्यू अगर हम जीरो पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, v इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका, v इज इक्वल टू a और t, ठीक है, क्योंकि v इज इक्वल टू पुट किया जीरो, सॉरी u इज इक्वल टू जीरो पुट किया तो ये इक्वेशंस में जीरो पुट करने के बाद v इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो प्लस ए टी, जीरो प्लस ए टी मतलब ए टी, दैट इज v इज इक्वल टू ए टी, ठीक है। देखो यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या हुआ 80 मिला, ठीक है। अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें क्या करना है यहाँ पे 80 का स्क्वायर है, 80 का स्क्वायर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, क्या कर लिखेंगे यहाँ पे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, अगर हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स किए तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स अगर हमने यहाँ पे किए तो देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, देखो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स अगर हमने किया तो यहां पे आपको मिलेगा v का स्क्वायर इज इक्वल टू, v का स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी का स्क्वायर, ठीक है। अब ये v स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, मतलब इक्वेशन थ्री में हम क्या कर सकते हैं, ए टी स्क्वायर के जगह v स्क्वायर पुट कर सकते हैं, तो आपका इक्वेशन क्या है थर्ड, दैट इज w इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, इनटू एम, और 80 स्क्वायर के जगह हम क्या पुट करेंगे, दैट इज दिस वन, ये वैल्यू पुट करेंगे 80 स्क्वायर के जगह हम क्या करेंगे v स्क्वायर, तो ये बनेगा आपका v स्क्वायर। तो फाइनल इक्वेशंस की अगर हम बात करें दैट इज, ठीक है, अगर फाइनल इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको w इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो w इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर, ये इक्वेशन आपको फाइनल मिलेगा, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ये इक्वेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है, दैट इज डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। बट काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द ऑब्जेक्ट, जो काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द ऑब्जेक्ट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो उसका अमाउंट ऑफ क्या है, वर्क डन है, ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी जो है ये अमाउंट ऑफ वर्क डन के बराबर है, ठीक है, देयरफॉर हम यहाँ लिख सकते हैं W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर, और ये बनेगा बेटा आपका फाइनल फॉर्मूला जो आपको एक्सप्रेशंस में पूछते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर, समझ में आया, ठीक है, जो यहाँ पे आपको इन्होंने यहाँ पे दिया है जो हाफ एम वी स्क्वेयर, ठीक है, कैसे प्रूव हुआ समझ में आया, सिंपल सा ध्यान में रखना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर, क्लियर। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी आपको एक सॉल्व करके दिया है, देखो यहाँ पे अच्छे से एग्जांपल दिया, अ स्टोन हैविंग मास 250 ग्राम, ठीक है, एक स्टोन दिया है, स्टोन का जो मास है कितना दिया बेटा आपको 250 ग्राम, मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में हमारा फॉर्मेट वही है, क्या है गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट एम इज इक्वल टू कितना दिया, दैट इज 250 ग्राम, ठीक है, कितना दिया 250 ग्राम, अब 250 ग्राम है तो ग्राम का हमें क्या करना होता है, मास जो है हमारा ये लोअर मास नहीं चाहिए, हमें हायर मास चाहिए, मतलब किलोग्राम चाहिए, तो 250 ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या होगा आपका 250 डिवाइडेड बाय 1000 कर लो तब जाके आपका किलोग्राम बनेगा, तो ये m इज इक्वल टू कितना बनेगा, दैट इज इसको सॉल्व करो, जीरो से जीरो कट कर दो, 25 डिवाइडेड बाय 100 करो तो ये बन जाए आपका 0.5 kg, क्या बन जाएगा 0.25 kg बनेगा, ठीक है। बाद में फिर क्या बोला, फॉलिंग फ्रॉम द हाइट,
कुछ ऊपर हाइट से नीचे गिर रहा है. हाउ मच काइनेटिक एनर्जी डज हैव द मूवमेंट व्हेन द वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड. अब उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है. अब कौन सी वेलोसिटी इनिशियल है कि फाइनल है? अगर इनिशियल रहती तो 0 रहती, तो फिर ये 2 दिया, तो मतलब कौन सी वेलोसिटी हुई? फाइनल. मतलब यहाँ पे v इज इक्वल टू आपको दिया बेटा 2, v इज इक्वल टू कितना दिया? 2 मीटर पर सेकंड. ठीक है, क्या दिया? 2 मीटर पर सेकंड. और क्या निकालने बोला? काइनेटिक एनर्जी निकालने बोला. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी निकालने इसने बोला. ठीक है, अब फ्रॉम फॉर्मूला अपने पास में क्या है? फ्रॉम फॉर्मूला क्या है बेटा फॉर्मूला? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. क्या फॉर्मूला अपने पास में? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. तो वैल्यू पुट करो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इन टू, एम कितना है अपने पास में? 0.25 इन टू वी कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर. ठीक है, अब इसे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं. क्या होगा ये? 0.25 इन टू 2 का स्क्वायर. ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे दैट इज हाफ इन टू 0.25 इन टू 2 इन टू 2. ठीक है, ये 2 और ये 2 हो जाएगा कैंसल, क्योंकि 2 का स्क्वायर है तो 4 होगा, तो डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 2 ही आएगा. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे दैट इज 0.25 इन टू 2 अगर हम करते हैं तो इसका आंसर आएगा 0.5 जूल. ठीक है, आंसर क्या आएगा बेटा इसका? 0.5 जूल. ठीक है, जो होगा आपका काइनेटिक एनर्जी. क्या होगा आपका काइनेटिक एनर्जी? जो आपको यहाँ पे जो आंसर दिया है 0.5 जूल. क्या आएगा? 0.5 जूल. तो इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा? ये प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे. तो एक्सप्रेशन जो है आपको 3 मार्क के लिए एग्जाम में पूछते हैं, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो ये हाफ एम वी स्क्वायर कैसे आया? तो सबसे पहले आपको वर्कडन का फॉर्मूला लेना पड़ेगा, बाद में आपको न्यूटन का सेकंड लॉ यूज करना पड़ेगा, फिर न्यूटन सेकंड लॉ को कंपेयर करना पड़ेगा सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन के साथ में. तो फिर आपको कंपेयर एक फॉर्मूला मिलेगा डब्ल्यू इक्वल टू हाफ एम इंटू 80 का होल स्क्वायर, फिर इसे फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ेगा, फिर वी स्क्वायर की वैल्यू आप पुट करनी पड़ेगी, फिर आपको काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन और फिर वो वैल्यू आपको एक साथ पुट करनी पड़ेगी, तब जाके आपका काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर का ये फॉर्मूला पुट होगा. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. ठीक है, इसके आगे का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. सो थैंक यू.